मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में संस्कृति मंत्री ने विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा आयुष एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने शुक्रवार को मंडलेश्वर में कई नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने दूर दूर से आने वाले परिक्रमा वासियों के लिए नर्मदा तट पर 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। इसके पश्चात उन्होंने मंडलेश्वर में ही 16,84,000 रुपए की लागत से बनने वाली स्कूल का भूमि पूजन किया। वहीं ग्राम बड़दिया में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भी भूमि पूजन किया गया। मंडलेश्वर के विकास में कोई कसर नहीं की जाएगी। संस्कृति मंत्री डॉक्टर साधो ने विकास कार्यों का भूमि पूजन करते हुए कहा कि मंडलेश्वर मेरी जन्मस्थली है और यही मेरी शिक्षा भी हुई है। मंडलेश्वर के विकास के रास्ते अब खुल गए हैं। पिछले वर्षों में यहां जो विकास होना था वैसा नहीं हो पाया है, लेकिन अब फिर से मंडलेश्वर विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। साथ ही उन्होंने आम जनों की समस्याओं के निराकरण के बारे में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।